हेलो दोस्तों, ये हाईवे बना हुआ है, देखो कितना बढ़िया हाईवे है। दिल्ली से ये इधर नोएडा से होते हुए, लक्ष्मी नगर होते हुए ये हाईवे सीधा बागपत बड़ौद सहारनपुर की तरफ निकल रहा है। ये ज़बरदस्त हाईवे हैं, देख लो नज़ारे। ये है करावल नगर का एरिया और ये सारा करावल नगर का एरिया है और ये खजूरी की तरफ का है और ये इधर ये खजूरी दिख रहे हैं। ये सीआरपी कैंप है, ये करावल नगर है और ये जो दिख रहे हैं सीआरपी कैंप का एरिया है, जिसको देख करके ये सोनिया बिहार, करावन नगर, खजूरी, गामड़ी सबके रेट हाई फाई हो जाएंगे। और अभी तैयारी हो रहे हैं, इसीलिए ये सब पब्लिक घूमने के लिए आए हुए हैं। तो अभी सब आनंद ले रहे हैं घूम घूम करके। जब इस पे गाड़ियाँ चलने लग जाएगी फिर कोई नज़र नहीं आएगा। तो ये आगे भविष्य में सोनिया विहार, खजूरी, गामड़ी, इधर शास्त्री पार्क, गांधीनगर, गीता कॉलोनी, ये सब के रेट दुगुने हो जाएंगे और डेवलप भी हो जाएगा। और यहाँ देख लो छोटे छोटे अभी बच्चे भी खेल रहे हैं रोड पे, बड़े आनंद ले रहे हैं, चुन्नू मुन्नू से सारे बच्चे खेल रहे हैं। और भाई हाँ देख ले, तेरा वीडियो बना दिया मैंने, हाँ दिखाई देगा, देख लो। एक ये चुन्नू मुन्नू नीचे बैठी है, देखो छिप के, ये देखो सुंदर, इसका नाम है सुंदर। और इसका नाम क्या है, नाम बता दे। ताना यहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं अभी, क्योंकि अभी जो है ना रोड चालू नहीं हुआ है, अभी बना है। आगे देखो इतना बड़ा पुल बना है, फ्लाईओवर, जो यहाँ से जाने के बाद ये सीधा जा कर के गीता कॉलोनी, लक्ष्मी नगर के पास उतारा है। और उतारा ही नहीं है, ये सीधा सीधा जो है रोड चला जाएगा, नोएडा में मिल जाएगा। बाकी अभी जो ट्रैफिक हैं वो नीचे से उतार दिए हैं, सारी ट्रैफिक दोनों तरफ नीचे नीचे को जा रहे हैं। ये देखो ये बच्चे अभी फ़िलहाल आनंद ले रहे हैं इस जगह का। क्रिकेट, हाँ हाँ, वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, आनंद ले रहे हैं बच्चे। हाय कर तो कर दो, चैनल का नाम है बबीता सा फैमिली। तो बच्चे सब भी वीडियो बनाते हुए देख के खुश हो रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चे कि चैनल का नाम क्या है, तो हमने बता दिया ताकि देखेंगे आनंद लेंगे। और ये जो है सीआरपी का गेट है, ये यहाँ से ये गेट कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा और ये गेट जो है उधर के सोनिया विहार के थाने की तरफ खुल जाएगा, जिसको हम खजूरी थाने के नाम से पहचानते हैं। उधर इसका गेट खुलेगा और इधर बंद हो जाएगा। और अभी फिलहाल देख रहे हैं ये सारी गाड़ियाँ ये नीचे से लेके जा रहे हैं, वो वहाँ पे नीचे उतर गए और ये नीचे नीचे जाएगा। और ये जो फ्लाईओवर बने हैं ये कम से कम कॉलोनी से 40 फुट ऊपर है, जिससे के वजह से कोई गाय माल कोई पार ना हो सके, किसी को चोट वगैरह ना लगे। ये कम से कम लंबाई इसकी 100 किलोमीटर के आसपास है, 100 किलोमीटर दूरी पे जाके ये ख़त्म होगा। वैसे 4-5 जगह कट दिया हुआ है उतरने के लिए, कोई अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे पब्लिक को ज़्यादा उतरने चढ़ने में दिक्कत ना हो वहाँ पे कट दिया हुआ है। बाकी ये 100 किलोमीटर के रेंज में है। ये देखो बसें भी आ रही है,
ये सब नीचे से जाने लग जाएगा। ये हाईवे जिसको सीधा 100 किलोमीटर के रास्ते तय करने हैं वही ऊपर ऊपर आएगा। बाकी नीचे सर्विस लाइन दिया हुआ है, इसके साइड साइड में सर्विस लाइन से जाएगा। देखो दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा ना, ये कॉलोनी वाले का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएगा और यहाँ रहने वाले लोगों का किस्मत भी खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक साधन नहीं था, अब इतना तगड़ा साधन हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।